पर आज की देखिए पहली रिक्वायरमेंट दुबई के लिए है और इसका ट्रायल इंटरव्यू जो है शुरू हो चुका है। डेट है 19, 20, 21, 22, 24 और 25 अप्रैल तक के होगा। ये रिक्वायरमेंट है वेल्डर्स की, पेंटर, हेल्पर, फैब्रिकेटर, फिटर, डक्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्काफ होल्डर, स्टील फिक्सर, ड्राइवर, इसके लिए दुबई का लाइसेंस होना चाहिए, एल्यूमिनियम, एसी टेक्नीशियन, मेसन, जिप्सम कारपेंटर और इसके अलावा शटरिंग कारपेंटर और फर्नीचर कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। और देखिए इसमें सैलरी आपको दी जाएगी, वो रहेगी लगभग 1200 से लेकर 2500 दिराम, प्लस ओवर टाइम का अलग से दिया जाएगा आपको। कंपनी के द्वारा रहना और खाना बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स। अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर गैस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी देके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए है, एक शिपयार्ड कंपनी का रिक्वायरमेंट है और इसमें इन्हें जरूरत है स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर्स की, पाइप फैब्रिकेटर्स 150 लोगों की जरूरत है, स्ट्रक्चर फिटर्स के लिए 100 लोग चाहिए और प्लेट फिटर्स और पाइप फिटर्स के लिए 75 लोग की जरूरत है। इसमें देखिए आपके पास अगर मरीन या शिपयार्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब इजली मिल जाएगा। कंपनी के द्वारा आपको जो है रहने का अलाउंस, सॉरी खाने का अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा और उसके बाद इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट जो है सऊदी अरब के लिए ओएम प्रोजेक्ट है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 21 अप्रैल को होने वाला है और ये रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल टेक्नीशियंस की। इसके लिए आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके अलावा देखिए कंपनी के द्वारा आपको रहना और खाना ओवर टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है यूएई के लिए है, एक इंजीनियरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है और इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू शुरू हो चुका है 19, 20, 21 और 22 अप्रैल तक के होगा नवी मुंबई। रिक्वायरमेंट है पिकलिंग पैसिवेशंस की जिसमें 6 लोग की जरूरत है, शटरिंग कारपेंटर के लिए 5 लोग की जरूरत है, मेसन के लिए 4 लोग, स्प्रे पेंटर के लिए 7 लोग, टैंक फिटर और फैब्रिकेटर के लिए 50 लोगों की जरूरत है और स्काफ होल्डर के लिए 10 लोग और डीजर के लिए भी 10 लोगों की जरूरत है। इसमें देखिए कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट ओमान के लिए है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 20 अप्रैल यानी कि आज होगा रबारे न्यू बॉम्बे में। रिक्वायरमेंट है फैब्रिकेटर्स की, फिटर्स, वेल्डर्स और ब्रिजर्स, ग्राइंडर्स और सैंड ब्लास्टर और पेंटर की। और इसमें कंपनी आपको रहना और खाना प्रोवाइड करेगी। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो है स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें ईमेल कीजिएगा और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है यूरोप माल्टा के लिए, जिसमें इन्हें जरूरत है एचवीसी टेक्नीशियन और इंस्टॉलर की और इसके अलावा डक्ट फैब्रिकेटर्स और इंस्टॉलर्स, इसके लिए 15 लोगों की जरूरत है। सैलरी आपको दी जाएगी लगभग 10,000 यूरो दोनों भी पोस्ट के लिए और प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियंस के लिए 8 लोग की जरूरत है। इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 9,600 यूरो और इसके अलावा वेंटिलेशन कमिश्नरिंग टेक्नीशियन और एचवीसी इंजीनियर्स के लिए 2 लोग की जरूरत है। इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 10,800 यूरो। इसमें देखिए आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम
2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, हफ्ते में 5 दिन काम रहेगा आपका। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट स्लोवाकिया के लिए है, ये ऑटोमोटिव प्रोडक्शन के इन्हें जरूरत है प्रोडक्शन वर्कर्स और हेल्पर्स की। इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 750 से 1200 यूरो, और इसके लिए आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और टेक्निकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा पोलैंड के लिए इन्हें जरूरत है जनरल हेल्पर्स की, हैवी ड्राइवर्स और वेल्डर्स। इसके लिए सैलरी आपको दी जाएगी 750 से 1000 यूरो, और इसके अलावा ग्रीस के लिए भी रिक्वायरमेंट है। ग्रीस यहाँ पे इन्हें जरूरत है शेफ हॉट सेक्शन के लिए और कोल्ड सेक्शन के लिए, बेकरी शेफ, पेस्ट्री शेफ और बारटेंडर, वेटर और वेटरेस और स्टीवर्ड्स। इसके लिए भी सैलरी आपको दी जाएगी 750 से 1000 यूरो, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 45 साल और कम से कम आप 10वीं पास होना जरूरी है। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें ईमेल कीजिएगा, और उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। देखिए रिक्वायरमेंट कतर के लिए है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 20 और 21 अप्रैल को होगा, और ये रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियंस सीनियर मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए और सीनियर इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसमें 100 लोग की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट फिल्टर के लिए 100 लोग की जरूरत है, और TIG और ERC वेल्डर जो कि 6G CS SS के लिए 20 लोग की जरूरत है। और इसमें देखिए आपके पास डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए और 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसमें जो है कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसका इंटरव्यू जल्दी होने वाला है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो अगर इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए आप इस कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और देखिए रिक्वायरमेंट जो है आप देख सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे, सबसे पहले क्रोशिया के लिए, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 21, 22 और 23 अप्रैल को होगा केरला में। रिक्वायरमेंट है वेल्डर्स TIG और MIG MAG के लिए, स्प्रे पेंटर्स, CNC ऑपरेटर्स और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स के लिए। इसके अलावा देखिए माल्टा के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका इंटरव्यू 24 और 25 अप्रैल को होगा। रिक्वायरमेंट है वेटर और वेटरेस की, क्लीनर्स, हाउसकीपर्स, ब्यूटिशियंस, बार्बर्स, बाइक मैकेनिक्स, शेफ, क्वांटी, अरेबिक, डिलीवरी ड्राइवर्स बाइक के लिए, ऑटो रेंटर्स, पेंटर्स और फर्नीचर कारपेंटर्स। तो ये थी रिक्वायरमेंट देखिए क्रोशिया और माल्टा के लिए। इनमें से अगर किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस कंसल्टेंसी के नंबर पर और ईमेल आईडी पर आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल कीजिएगा। उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल करके इंटरव्यू की सारी जानकारी लेके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। और इसके अलावा देखिए कुछ और रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे स्क्रीन के राइट साइड पे है, जो कि रिक्वायरमेंट है UK के लिए, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है, नर्स की जरूरत है, और इसका इंटरव्यू 20 और 21 अप्रैल को होगा मुंबई में और 23 और 24 अप्रैल को होगा कोची में। तो नर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपके पास IELTS या OET का स्कोर होना चाहिए, अगर रिजल्ट आना बाकी तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कंसल्टेंसी के ईमेल आईडी पे आप अपना बायोडाटा बाकी डॉक्यूमेंट्स और स्कोर इन्हें ईमेल कीजिए, उसके बाद आप इनके दिए गए नंबर पे कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे वो जॉब हो दुबई में, सऊदी में, माल्टा में, क्रोशिया, यूरोप, अमेरिका, किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जो जॉब वैकेंसीज आती है अब्रॉड की डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।